सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रदंड महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते।
महाशक्तिधरे कौमारी रूप संसार नारायणी नमस्ते शंखचक्र गदाधर त्रिवेद परमायुधे प्रसीद ऐश्वरी रूप नारायणी नमस्ते गृहीतोग्रह महाचक्र दस्तोदसंधरे वरारूपिणी शिव नारायणी नमस्ते नृसिंहरूपेण हंसं दैत्यागदत्तमे त्रैलोक्यकारसहिते नारायणि नमस्ते किरीटिणी महावज्र सहस्रनयन ज्वले वृत्तप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमस्ते शिवदूते स्वरूपेण हतरज महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्ते घनसागरालवदने शिवमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमस्ते लक्ष्मीलक्षे महाविद्ये सत्यपुष्टिसुते ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्ते मेधे सरस्वतीवरे भूतिभावविदामसि निर्शैलं प्रसीदेशे नारायणि नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनौ देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्ते वचनं सौम्यं लोचनात्र भूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमस्ते ज्वालाकणाधमत्युग्रमजशासरसोदनम् त्रिशूलं पातु नो वीरे भद्रकाली नमस्ते ीरा जगत् साखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुदानिव असुरादिग्वसापङ्कजलः शुभाय गर्भो भवतु चण्डिकेता नृताभयम् रोगान् शेषाणपहंसितुष्टा ृष्टातुकामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताया शयतां भयान्ति एताग्रसंयात् कदनां त्वयाद्य धर्मान्दिशां देवि महासुराणाम् रूपे अनेकैर्मधात्मदेम् कृत्वाम्बिकेदात्प्रकरादिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाधेषु वाक्येषु जगादन्या मम त्वसरतेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदमेव विश्वम् रक्षासि यत्र ग्रविशार्चनाग यत्रालयोदाश्रुबलानि यत्र नामानलो यत्र तथाब्धि मध्ये यत्रासि तात्वम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरीतम् परिपासि विश्वम् विश्वाप्तिकाधारयसेति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयायै त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनारधेत नित्यं यथा सुर्वधा गदुरेव सद्यः पापानि सर्वजगतः प्रशमामयास उत्पादपाकयनिता च महापसर्गान् कन्दानां प्रतिरतं देवी विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामे लोकानां रलाभव देव्योवाच वरदां स्वर्गना बलं जन्मरचर काम्बलक्षं प्रयच्छामि जलतामुपकारकम् देवावोचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य गृहेश्वरी
इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम कन्या भी करवाल खेद विरस हस्ता भिरा देविता हस्ते चक्र गदा सिखेत विजिकाश शापं गुणं तजने विभ्राणा मदलात्मिकां शशिधरा दुर्गा त्रिधर्ता भजे ओम दिव्युवाच एवि सवेच मान्यत सोषतया स्वाइदः तस्याम सकलां बालां आदिष्यामि संशयम् मधुकैलघनाशं च महिषादुर्घातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतल्लभदं शुम्भन शुम्भया अशम्या च चतुर्णश्चाम्या जगते ततः शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नाथेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुःखितोदान चापदः भविष्यजेन दारिद्र्यं न च वेष्टवियोजनम् शत्रुतोणामयं तस्य तस्य दोवानरायतः न
भविष्यति तस्मामेतं महत्त्वं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा वक्त्या परं सत्यं हि तत् उपसर्गान् शेषान्तो महामारे समुद्भवान् तदा त्रयोगमुत्पातं महत्त्वं शमयेर्मम यत्कैतत्पठ्यते सम्यं नित्यमायातने मम सदा नादद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने भूयायाम् अग्निगाये महोत्सवे सर्वं न मे तच्चरितम् उच्चार्यं शाप्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां ददा कृताम् प्रतिष्ठिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं ददा कृतम् शरत्काले महापूजाया च वार्षिकी कस्यामेतन्महात्तं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्तान्वितः मनुष्यमक्तसारेण भविष्यति न सञ्चयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्व्यापमान् रिपवः संक्षयं जाते कल्याणं च उपपद्यते नञ्जयेत कुलं पुंसा माहात्म्यं मम शिल्भता शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा सप्तदर्शने ग्रहपीडासु योगासु माहात्म्यं मम उपसर्गाशमजाति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्दिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्राभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घाजले देवीनामेत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं परम् रक्षाभूतशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्यदूपे च गन्धदीपे सोत्तमे विप्राणां भोजने होमे भोक्षधीयः निशम् आन्ये च विविधे भोगे प्रधाने वत्सरणीया शुकम् हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धे दुष्टं जन्म दुष्टदैत्य निवहनम् तस्मै सुलगरिकृतं भयं भुंसा प्रजायते युष्मादि सुयाच ब्रह्मर्षि कृताः ब्रह्मणा च ग्रहातासो प्रयच्छन्ति शुभामते अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दशुतावापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वावनहस्तिभिः राज्ञाकृत्येन जागृत्य वद्यवन्दगतापि वा आगोमितो वा वातेन स्थिता पोते महानवे ततस्तु चापि शब्देषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनादितोऽपि वा शरण्यमे चर्चं नरो भुज्येत सङ्कटात् मम सिंहाजा दक्षवो वैरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चन्द्रविक्रमा पश्यतामेव देवानां सत्यभान्तरधीयत केऽपि देवानिरातङ्का स्वाधिकार यथा पुरा यज्ञभागवृषा सर्वे चक्रविनिहतारयः देव्या च देव्यानीयते शुम्भ देवरिपो युधि जगद्विध्वंसनीतव्ये महाक्रेतलविक्रमे विशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालवाययोः एवं भगवती देवी सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् कैयान्मोय देवेश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जायजाय विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं वेद सकलं ब्रह्मानमनयेश्वर
महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टे भवत्या सिद्धिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले निनां सेवा लक्ष्ये वेद्ये प्रदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्ये विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिः सदा ददाति वित्ता पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीलापः शुभो भवेत् नाकवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् नारहस्यकम् नासूतम् नाभिधानम् च नान्यासूनश्च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत् अतिभूयतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोगणीयम् प्रयत्नेन सुरोणीव पार्वती मारणम् मोहनमश्यम् सम्पदाजाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्यै ॐ ब्रों ह्रों क्लीं यं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्यै ज्वलहं सं लं सं वत् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्धने नमाकेलवहारिण्ये नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतहि महादेवि जपं सत्यं करश्च मे ऋङ्कारि सत्यरूपाय ऋङ्कारि प्रतिपालिका ऋङ्कारि कामरूपिण्य बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाति च ऋङ्कारि वरदायिनि विश्वचालयसादित्य नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां धीं धूं धूर्यटे पत्नि भां भीं भूं वागजेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां श्रीं शुमे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 भनाधिनि ्रां ह्रीं ह्रूं भैरवीभद्रे भवान्ये नमो नमः अं कं षं तं पं यं षं ह्रीं गुं ऐं ह्रीं हं षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा मां देवो पार्वदेवो नाम खां ह्रीं हुं ये चरे तथा सां ह्रीं सुं सप्तशतीदेव्या मन्त्रसिद्धिं करश्व मे इदं सु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागर्चिहेतवे अभद्रेणेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती गोस्तु कुञ्जिकया देवी श्रीणां सप्तशतीं वदेत् नाथस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनं यथा ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछ कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आपदोद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे दानुतं ते नमस्ते जगद्व्यापिके वेश्वरूपे नमस्ते जगदन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्रायि दुर्गे
नमस्ते जगत समारण स्वरूप नमस्ते महायोगी विज्ञान रूप नमस्ते नमस्ते सदानंद रूप नमस्ते जगत तारिणी त्रयी दुर्गे अनादस्य भयादस्य नमस्ते जगत्तारिणी त्रयी दुर्गे अरण्य रणे दारुणे शत्रु मध्ये जय संकटे राजगृहे प्रवाते त्वमेकाग्रतिर्देवि निस्तारयेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्रयी दुर्गे अपारे महादोषरे अत्यंत घोरे विपदारे भजदेह भजा त्वमेकाग्रतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी त्रयी दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदोदण्डलीला समुत्सन्दिता चण्डराजेशत्रुः त्वमेकाग्रतिर्विघ्नसन्दोहहर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणी त्रयी दुर्गे त्वमेका सदा राजिता सत्यवादी जनेका पिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा पिलापे करातुं सुषुम्ना च नारी नमस्ते जगत्तारिणी त्रयी दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे विमनादे सदा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभूति सदा कालराते स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्रयी दुर्गे शरणमसि सुराणाम् सिद्धविद्याधराणाम् मुनिदनुजवराणाम् व्याजविवेदितानाम् विपदिग्रहगतानाम् दशविश्वासितानाम् त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे भगवती स्तोत्र जय भगवती देवि नमो वरद जय पाप विनाशिनि बहुफल जय शुभनि शुभ भगवान दरि नमामि तु देवि नराति हरे जय चन्द्र दिवाकर जय पावक भूषित जय भैरव हरिण पर जय अंध कर कवि योग कर जय हरि कवि शूल कर जय लोक समस्तक पाप हरे जय देव पिता महावेष्णु जय भास्कर शिरोमन से जय जनमुख सायुज
सरस्वती वंदना रवि जगदम्बिके इदानीं मनुगम्य
सच्चिदानंद विग्रह ध्यान चमिमात्रे प्रसीद परमेश्वरी भूयादि भूयगोप्ते ध्यान स्मृतां जपां सिद्धिर् भवतु मे देवे ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेर वाली जी दा बोल संजय दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा इसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। सच्चिया ज्योता वाली माता ते जयकारा शेरा वाली जी दा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वय भयवस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्री तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। एतत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रय भूषितम पादुना सर्वभीतिभ्या कात्यायनी नमोस्तुते। कात्यायनी यह तीन लोचनों से भूषित हमारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, हम सभी भक्तियां भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। ज्वाला कराल मत्केशा सुरसूदन त्रिशूल भद्रकाली नमोस्तुते। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार। हिनस्ति दैत्य तेजांसी सुनेना पूरी जा जगत सा घंटा पातु नो देवी पाव्युना सुता देवी। अपनी ध्वनि से समूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्य तेज नष्ट की देता है, तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है।
असुरा से वसा पंक चर्चित अस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड़गो भवतु चंडिके त्वाम नतावयम। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम सभी भक्तजान भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया जोतां बाल माता तेरी सदा, जयकारा शेर बाली जी दा बोल सच्चे दरबार की। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्ति नहीं, स्वयं देव अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं, और तब माता रानी जी उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उन सभी के कष्टों को सदा के लिए दूर कर देती हैं। प्राचीन काल में है हेय वंश में उत्पन्न कार्तवीर नाम के एक महाराजा थे, भगवान विष्णु के अंश दत्तात्रेय जी के शिष्य थे और दान करते थे, दुर्गा भक्ति में तत्पर रहते थे, और उन्होंने अपनी विपुल संपत्ति अपने भृगुवंशी जो उनके पुरोहित थे उनको दान दे दी थी, जिसको प्राप्त करके पुरोहित धनी हो गए थे। कुछ समय के पश्चात राजा के स्वर्ग सिधारने पर क्षत्रियों को धन की आवश्यकता पड़ी, और वे जानते थे कि हमारे राजा द्वारा दिया गया उनके पास विशेष धन है, तो उन सभी क्षत्रियों ने अपने पुरोहितों से भृगुवंशी ब्राह्मणों से धन की याचना की, परंतु सभी ब्राह्मणों ने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। इस प्रकार वो धन को पृथ्वी में गाड़ करके वनों को चले गए, और जब क्षत्रियों ने उनके घरों में आकर के पृथ्वी को खोदा, जमीन को खोदा, तो धन की प्राप्ति हुई। तब वो सभी जो ब्राह्मण जिनका धन जो पृथ्वी से निकल चुका था, क्षत्रियों को प्राप्त हो चुका था, वो उन सभी क्षत्रियों के शरणागत हो गए, परंतु क्षत्रिय उन पर कोप करते रहे और वानों द्वारा प्रहार करके उनका वध करने लगे, जहां तक कि वो माताएं जिनके गर्भ में शिशु थे उनका भी वध करने लगे। वे माताएं जिनके गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे वो कुर्री पक्षी बांधी बिलाप करती थी। मुनियों ने उन क्षत्रियों को समझाया कि इस प्रकार का पाप करना आप छोड़ दो, क्योंकि घोर पाप और पुण्य का फल मनुष्य को इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। परंतु क्षत्रु ने कहा कि ये सभी ब्राह्मण पाखंडी हैं, दम्भी हैं, इन्होंने हमारे राजा का धन इसी प्रकार छीन लिया जैसे एक लुटेरा किसी पथिक का रास्ते में धन छीन लेता है। हमने चतुर्थांश वृद्धि पर भी इनसे धन मांगा, परंतु इन्होंने हमको नहीं दिया। धन की तीन गति है, धान भोग और नाश, ना उन्होंने धन किया ना ही उपभोग किया, इसलिए दंड के अधिकारी हैं। पुनः वह उन ब्राह्मण पर कोप करके उनका वध करने लगी। लोभ मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा पाप है, ये काम क्रोध मोह से बढ़कर है। लोभ में पड़कर के मनुष्य अपनी हत्या कर देता है, इससे बड़ा और क्या होगा। तब वे पुनः उन स्त्रियों का जो गर्भ छेद करने लगे और ब्राह्मणों पर बाणों का प्रहार करके उनका वध करने लगे। वह स्त्रियां घबराई हुई हिमालय पर बढ़ गई, और वहां पर उन्होंने मिट्टी की माता की मूर्ति बनाई और निराहार रहते हुए मरण व्रत का निश्चय कर लिया। एक दिन माता जी ने स्वप्न में उनको कहा कि आप में से एक चतुर स्त्री जंगा में गर्भ धारण करेगी और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ वही बालक आपकी रक्षा करेगा। उनमें से एक चतुर स्त्री ने जंगा में गर्भ धारण किया, और जब वह गर्भ के तेज से भागी जा रही थी उस समय क्षत्रु ने उसको देख लिया और वो तलवार लेके उसके पीछे लगे। दयनीय दशा वाली रोदन करती हुई एक गर्भिणी हिरनी के समान जिसके पीछे सिंह लगा है, ऐसी माता को रुदन करते हुए उस गर्भस्थ शिशु ने जब देखा तो वो सूर्य की भांति जंगा का जो वेदन करके उन क्षत्रियों की दृष्टि का जो उनकी दृष्टि को छीनते हुए वो प्रकट हो गया। क्षत्रिय उसको देख करके नेत्रहीन हो गए और कंधों में इधर घूमने लगे और मन में विचार करने लगे कि निश्चय रूप से ये इस पतिव्रता स्त्री का हम पर श्राप है, जिसको देखते ही हम जो दृष्टि विहीन हो गए हैं। उस स्त्री को शरण में गए और कहा कि देवी हमको क्षमा कर दो, हमको नित्य ज्योति प्रदान कर दो, हम कभी भी ऐसा अपराध नहीं करेंगे, हम आपके सेवक हो जाएंगे। परंतु उस स्त्री ने कहा कि मैं वास्तविक बात बताती हूँ, मैं आप पर कुपित नहीं हूँ। वास्तविक बात यह है कि ये मेरा पुत्र जिसको मैंने 100 साल अपनी जंगा में जो गर्भ धारण कर रखा, ये माता की कृपा से हुआ है। इसने सभी जो वेद अंगों का अध्ययन किया है, ये आप पर कुपित है। जब आप
गर्भस्थ शिशु का वध कर रहे थे, ब्राह्मणों का वध कर रहे थे, तभी मैंने जंगा में गर्भ धारण किया था। यदि आप नेत्र ज्योति चाहते हैं इसी बालक की शरण में जाओ। तब वे उस बालक की शरण में गए और उस बालक ने कहा कि विधि का विधान ऐसा ही था, अब आप शांत चित्त होकर अपने घरों में चले जाओ और सब मुनि भी अपने घरों में जाएं। उनको दृष्टि प्राप्त हो गई और वह ब्राह्मणी भी उस बालक का पालन करने लगी। कहने का तात्पर्य यही है कि जभी जभी हम भक्तों बालक को संकट का लान पर है, हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता की अंत में आराधना की है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी सभी शक्तियों से संपन्न होकर के जब दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। विशेष रूप से इस कली काल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। कलो ही चंडी विनायकु, शास्त्रकारों ने पूर्ण वर्ण कर दिया है कि कली काल में जो दुर्गा माता चंडी तथा गणपति की आराधना करेंगे उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। जैसा आप देखते हैं कि सत्य युग में भगवान विष्णु, त्रेता में श्री राम जी और द्वापर में श्री कृष्ण जी भक्तों ने आराधना की है, इसी प्रकार जो भक्तजन इस कली काल में गणपति की आराधना करके दुर्गा माता की आराधना करेंगे उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप, और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ध्यान करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूर्य, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान शिव रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्व मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्ति तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 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 सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेर वाली जी दा सच्चे दरबार की। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरे सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता भेंट में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिंदर जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर। जयकारा शिरोमणि जी का और सच्चे दरबार की जय। निसार साधनी पा मापदा नीरे सा, शेर वाली कृपा कीजिए, शेर वाली कृपा कीजिए, ओ शेर वाली कृपा कीजिए, शेर वाली कृपा कीजिए। आंचल में छुपा
आशीर्वाद दी भी है। सभी भक्त हाथ ऊपर टहर लाकर हाथ देंगे और क्या बोलेंगे, जय माता दी। जब तेरा भजन करूं तू सामने आए मां,
भजन करूं, तू सामने आए माँ, जब जब तेरा भजन करूं, तू सामने आए माँ। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, हाँ सच्ची भक्ति का वर दीजिए माँ, सच्ची भक्ति का वर दीजिए माँ, सच्ची भक्ति का वर दीजिए माँ, शेरवाली कृपा कीजिए, हाँ शेरवाली कृपा कीजिए, हाँ शेरवाली कृपा कीजिए। मैं तो एक पागल हूँ, जगता हूँ रातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी की बातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी की बातों को। मैं तो एक पागल हूँ, जगता हूँ रातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल में मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल में मत लेना मेरी इन बातों को। जो भी मन में हो वो कीजिए, हाँ जो भी मन में हो वो कीजिए माँ, जो भी मन में हो वो कीजिए माँ, जो भी मन संभालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ। मैं तेरा बेटा हूँ जय माँ, तुम मुझको संभालो माँ, जय माँ माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ। इतना तो कदम कीजिए माँ, 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 शेरवाली कृपा कीजिए, शेरवाली कृपा कीजिए, ओ शेरवाली कृपा कीजिए, शेरवाली कृपा कीजिए, ओ आंचल में छुपा दीजिए माँ, आंचल में छुपा दीजिए, आंचल में छुपा दीजिए माँ, जयकारा शेरवाली जी का, सच्चे दरबार की जय। एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरवाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। मां दी रजा विच राजी रहना चाहिदा, अपने मुहों कोई
माड़ा मेरा मारना नहीं चाहिदा ए जो चावे कर सकती है ए मजबूर किसे कोलू होंदी नहीं जिन्हें निश्चय मां उते रखिया वो बच्चिया कोलू दूर कदे हो नहीं सकती पता नहीं मां केड़िया रंगा विच राजी 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 मां केड़िया रंगा विच राजी Thank you.
ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ 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 ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਤੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਜਹੋ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਜਜੈ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ 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 ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ 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 ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ 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 ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਏ ਭਗਤ ਵਤਸਲਾਮਾਤ ਏ ਭਗਤ ਵਤਸਲਾਮਾਤ ਮਾਤ ਆਈ ਜਗ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ 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 ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੀਲ ਕੰਠ ਮੁਰਾਰੀ
विष्णु हार नीलकंठ त्रिपुरारी पर कृष्ण मुरारी रेता श्री राम दियाए द्वापर कृष्ण मुरारी मां भक्ता देवल चात मां भक्ता देवल चात मात आई जागे वाली सारे शक्ति दी शक्ति ने दिते सब दे पार उतारे द्वार तेरे दे पीर ओलिए आउन देव दे सारे शक्ति दी शक्ति ने दिते सब दे पार उतारे शक्ति दी शक्ति ने दिते सब दे पार उतारे करो मेहरा दी बरसात करो मेहरा दी बरसात मात आई जागे वाली रात हाजरिया परवान करो मान हाजरिया हाजरिया परवान करो मां हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजरिया हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजरिया हार भवानी फुल चुक माप करनी आए शरणागत दीना मां फड़ लाले चरनी शरणाए शरणागत दीमा बाप लाले चरनी मैं हां फुल हार भवानी फुल चुक माप करनी मैं हां फुल हार भवानी फुल चुक माप करनी शरणाए शरणागत मां फड़ लाले चरनी शरण आए शरणागत दी मां मां फड़ लाले चरनी है होण वाली परभा रहो है होण वाली परभा मात आई जागे वाली रा हाजरिया हाजरिया परवान करो मान हाजरिया हाजरिया परवान करो मां हाजरिया परवान करो मां हाजरिया
दरबार की जय। ओम बंधु गगांचन निघम रुचिराख्य माला पाशांकुशोटु वरदा निर्वाहु दंडे निध्यान बिंदु शकला भरणं त्रिनेत्र मर्धांबिकेश मणिशं बपुराक्षयामि सचियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रा वसवा समिन्धतान पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यद्ने तिदेन तं तन्न वर्धयस्य सत्या संतु जरमानस्य कामः मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं पौपुत्रलाभं सत्समस्तं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर आरती दी हुई है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करी मैया जय आनंद करी तुमको निज दिन जावत मैया जी को निज दिन जावत हरे ब्रह्मा सुर गाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन बदमाती ओम जय अम्बे गौरी गंड मुंड
जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी मैया तुम कमलारानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी नीत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी सुजाचार अति मैया वर मुद्रा दारी मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराट अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत श्री माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करनी तुम को निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी सतिया जोता भली माता तेरी सदा ही जय तेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय क्षमा करो अपराध चरण माया क्षमा करो अपराध चरण माया माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया सब संकट तारे देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु कैटव मारे रक्त बीज मधु कैटव मारे शुंभन शुंभ असुर संहारे शुंभन शुंभ असुर संहारे किया भक्त कल्याण शरण माया किया भगत कल्याण शरण माया बालकपन खेलों में गवाया बालकपन खेलों में गवाया यौवन विषयों में भरमाया यौवन विषयों में भरमाया बूढ़ापन कुछ काम न आया बूढ़ापन कुछ काम न आया जीवन सब लगनाओ शरण माया जीवन सब लगनाओ शरण माया पूजा भेटा कुछ नहीं लाया पूजा भेटा कुछ नहीं लाया मंत्र यंत्र गुरु ज्ञान बुलाया भार से शीश झुकाया पाप भार से शीश झुकाया माता कर कल्याण शरण माया माता कर कल्याण शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया
सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, अंदर बोलो जय माता दी, आवे वेला जय माता दी, संध्या वेला जय माता दी, आरती वेला बोल जय माता दी, आप बुलांदी जय माता दी, कष्ट कटांदी जय माता दी, मेरा कर जय जय माता दी, बोलिया मत बोल जय माता दी, हरे कटांदी जय माता दी, बोला या ने जय माता दी, जय माता दी, वीर दंदी जय माता दी, लाल दंदी जय माता दी, गाने सुनिया जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी, हाथी बोलो जय माता दी, ताली बजा बोल जय माता दी, तोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चूड़िया वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, चूड़िया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, पंद्रह वाली जय माता दी, झंडिया वाली जय माता दी, घंटिया वाली जय माता दी, गौरा वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, जाट कल्याणी जय माता दी, जहोरणी जय माता दी, रानी जय माता दी, जय माता दी, मामा काली जय माता दी, अक्कर वाली जय माता दी, शक्ति देनी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, रक्षित द्वारी जय माता दी, भरे कल्याणी जय माता दी, सोलायने जय माता दी, जय माता दी, मातृद्वारी जय माता दी, विद्या देनी जय माता दी, ज्ञान देनी जय माता दी, बुद्धि देनी जय माता दी, भक्ति देनी जय माता दी, जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे। जोता वाली माता तेरी सदा करो शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वमंगल मंगले सर्वमंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके, त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय याद गणेश, तृतीय स्मरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश देवा, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पहर जो सट घड़ी जो चरणा का ध्यान दे मां। Thank you.
खड़गम चक्र गणेशु चाप परिघा शूलम शुंडम चंगम सर्वांग भूषा वृता लीलाशकाशे महाकालिका यामस्तो सजते हरो कमलयो हंसम मधुं केतवम् अक्षतपरशुं गणेशु कुलचा पद्मं धनुष्पुण्डिका गण्डं शक्तिमतिं च चर्मजलयं गण्डासुराभाजनम् शूलं वाचः सुदर्शने च ददति हस्ते प्रसन्नानना देवे शैलवर्धनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्थिता गण्डा शूलहला निजङ्गमुदये चक्रं धनुसायकम् पूर्वा मात्र सरस्वती मनुवजे शुम्भामेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यादिनं त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुगव्यानं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लवं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे हरे मुरारे मधुकेतवाले गोविन्द हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वत्रा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विच शांति देने वाली माता तेरी सदा लुंकड़ा भीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत वरे भारत वरे भारत वरे बोलो आरे आरे बोलो बाबा श्री धर की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरावाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। दरबार की जय। जय माता जी। जय माता जी।